बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाँव और कस्बे के छात्रों को लेकर योगी सरकार की नई पहल। अब गांव में बैठे विद्यार्थी भी करियर काउंसलिंग के लिए पेशेवर मदद ले सकेंगे। योगी सरकार इसके लिए नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के करियर काउंसलिंग के लिए पंख पोर्टल को लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही स्कूल मैपिंग का पोर्टल पहुंच, ऑनलाइन मॉनिटरिंग व स्कूल ग्रेडिंग का पोर्टल परख, ई लाइब्रेरी का पोर्टल प्रज्ञान भी लॉन्च किया जाएगा। पंख पोर्टल को यूनिसेफ की मदद से बनाया गया है। इसमें यूपी बोर्ड का पंजीकरण नंबर और विषय डालने पर इससे संबंधित करियर की गाइडेंस मिलेगी। एसयूआर की तर्ज पर बनेगा एससीआर। मुख्यमंत्री ने निकट भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एससीआर की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, इसलिए डीपीआर तैयार करने के लिए ऐसी कंपनी के चयन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर निकाला जाएगा। एससीआर के दायरे में आने वाले सभी जिलों को सुनियोजित और सुव्यवस्थित किया जाएगा। सभी जिलों में समान रूप से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए जिले इंटरकनेक्ट होंगे, इससे सभी शहरों से आवागमन आसान होगा। कृषि क्षेत्र में बदलाव को खरीदे जाएंगे 104 ड्रोन। कृषि क्षेत्र में बदलाव को प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए 104 ड्रोन खरीदेगी। प्रत्येक जनपद को एक एक ड्रोन उपलब्ध कराने का सरकार ने लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य अन्नदाता को स्वस्थ रखने और समय की बचत करना है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के 60 साधन सहकारी समिति के साथ आईसीआर के इंस्टीट्यूट को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। अब बिजली कनेक्शन पर भी करानी होगी केवाईसी। नो योर कस्टमर यानी केवाईसी अब तक बैंक खातों और रसोई गैस कनेक्शन जारी रखने के लिए अनिवार्य हुआ करती थी। अब बिजली कनेक्शन के मामले में भी इसे अनिवार्य बनाया जा रहा है। गोरखपुर जोन में 30 सितंबर तक 12.50 लाख बिजली उपभोक्ताओं की केवाईसी होनी है। इसका जिम्मा बिलिंग एजेंसी के मीटर रीडर्स को दिया गया। इस बार जब मीटर रीडर आपके घर आए तो उनसे इस बारे में पूछें और अपनी केवाईसी जरूर करा लें। इससे बिजली निगम बिल से संबंधित जरूरी सूचनाएं समय समय पर आपको देता रहेगा, साथ ही क्षेत्र में बिजली कटने की जानकारी भी मिलेगी। योगी के गोरखपुर में बदले 50 वार्ड्स के नाम, अलीनगर हुआ आर्यनगर। गोरखपुर नगर निगम में 32 गांव के शामिल होने के बाद वार्ड्स की संख्या 70 से बढ़कर 80 हो गई। नए 10 वार्डों के साथ ही पुराने 40 वार्ड्स का नया नाम रखा गया, यानी नगर निगम में 80 में से 50 वार्ड नए नाम से पहचाने जाएंगे। अलीनगर तुर्कमानपुर से लेकर मियां बाजार वार्ड का नाम बदल दिया गया। वहीं वार्ड्स का नाम फिराक गोरखपुर, रामप्रसाद बिस्मिल से लेकर मत्स्येंद्रनाथ के नाम से किया गया है। वैसे यूपी बनेगा सियासी कुरुक्षेत्र, तीर तरकश सारथी तैयार। जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे पश्चिम में भगवा फहराने का लक्ष्य तय कर दिया है। संगठन के सारथी के साथ सत्ता की फौज ने अपना तरकश तैयार कर लिया। चुनावी रणभेरी बजने से पहले चुनावी समर में तैयारी से उतरने की तैयारी है। प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन की कमान संभाल चुके चौधरी भूपेंद्र सिंह ने स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ बातचीत में सबसे ज्यादा फोकस लक्ष्य 2024 पर रखा। इससे संकेत मिल गए कि 2024 की सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र इस बार पश्चिमी यूपी होगा। दृष्टिबाधित को राह दिखाएगी ये मशीन। तकनीकी की दुनिया में अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। अभी तक जो दृष्टिबाधित देख भी नहीं सकते थे उनके लिए एक ऐसा डिवाइस तैयार किया गया जिसके सहारे वो अपनी राह को आसान बना सकते हैं। इस दिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज में शोधार्थियों ने एक ब्लाइंड असिस्टेंट डिवाइस तैयार किया जिसमें मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। हर हाल में अगले सत्र से शुरू करें मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बिजनौर प्रवास के दूसरे दिन रविवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों से दो टूक कहा कि हर हाल में मेडिकल कॉलेज के भवन के कार्य को तेजी से पूरा करें, यहां आगामी सत्र से कक्षाएं शुरू करनी है। डीसीआई ने किया बदलाव, अब बीडीएस 5.5 साल का। अब बीडीएस पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, 5 साल के कोर्स की अवधि में भी इजाफा होगा। इसे बढ़ाकर 5.5 साल किया जाएगा। ये जानकारी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर डी मजूमदार ने दी। इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेक्नीशियन के पदों पर निकली भर्ती।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन सहित विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 23 सितंबर 2022 तक या उससे पहले अपने आवेदन कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, SSLC प्लस ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप सहित कुछ शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार BEL भर्ती 2022 नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी में शिक्षक अपनी जेब से खिला रहे मिड डे मील, मार्च से नहीं मिला कन्वर्जन कास्ट। मार्च से अब तक कन्वर्जन कास्ट की धनराशि न मिलने और जुलाई से अब तक खाद्यान्न न मिलने के कारण शिक्षक अपनी जेब से खर्च कर मिड डे मील खिलाने को मजबूर हैं। शिक्षक लाखों रुपए अपनी जेब से खर्च कर चुके हैं। मजबूरी यह है कि शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें प्रत्येक स्थिति में MDM तैयार कराना है। नगर क्षेत्र में एजेंसीज के माध्यम से भोजन परोसा जाता है, जबकि ब्लॉक्स के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की यह जिम्मेदारी स्कूल्स की है। UGC आज शुरू करेगा रिसर्च ग्रांट फेलोशिप स्कीम। यूनियन ग्रांट्स कमीशन ने घोषणा की है कि वो आज शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर नई रिसर्च ग्रांट्स और फेलोशिप योजनाएं शुरू करेगा। इस घोषणा के अनुसार UGC इंडिया 3 शोध अनुदान और 2 फेलोशिप योजनाएं शुरू करेगा। इन नई योजनाओं को आज 5 सितंबर 2022 को दोपहर 3 बजे आयोग की आधिकारिक ट्विटर और यूट्यूब चैनल्स पर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। 7 तक जारी रहेगा वर्षा का दौर। उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता के चलते बारिश का दौर जारी है और आगामी 7 सितंबर तक मौसम के ऐसा ही बना रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए लखनऊ और गोरखपुर समेत 25 जिलों में मध्यम से भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। वहीं 5-6 सितंबर को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। बाढ़ग्रस्त इलाकों में भारी बारिश से जलस्तर और बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते 28 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई। गोदाम में रखा सामान जब्त नहीं कर सकते GST अधिकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि GST एक्ट की धारा 129(3) के तहत GST अधिकारियों को छापा मारकर गोदाम में रखे सामान जब्त करने का अधिकार नहीं। कोर्ट आगरा के व्यापारिक प्रतिष्ठान महावीर पॉलीप्लास्ट के गोदाम में छापा मारकर वहां रखा माल जब्त करने की कार्यवाही की आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारियों का यह कार्य अवैधानिक और उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का है। साथ ही GST कमिश्नर उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उन्हें दंडित करने की कार्यवाही करे। भारतीय रेलवे में स्काउट गाइड कोटे से होगी भर्ती, 2 साल से भर्ती पर लगी रोक हटी। स्काउट गाइड के होनहारों के लिए राहत भरी खबर है। कोविड के समय से बंद स्काउट गाइड कोटे से भर्ती प्रक्रिया रेलवे बोर्ड ने शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए। इस आदेश के बाद यानी रेलवे समेत सभी क्षेत्रीय रेलवे में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। कोविड के चलते पूरे भारतीय रेलवे में स्काउट एंड गाइड कोटे से होने वाली भर्तियां बंद कर दी गई। इससे स्काउट एंड गाइड सदस्यों में मायूसी थी। 2 साल तक इंतजार के बाद भी जब स्काउट गाइड कोटे से रेलवे में बहाली शुरू नहीं हुई तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा था। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। देश भर में कल पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहरों आगरा, प्रयागराज, बरेली, वाराणसी और कानपुर में कीमतें घटी। वहीं गोरखपुर में तेल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। मेरठ और लखनऊ के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। सीएम योगी ने रामपुर को दी करोड़ों की सौगात। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचकर वहां पर करीब 72 करोड़ की योजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर तय समय से करीब 10 मिनट की देरी से पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर उतरा, जहां माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, विधायक राजबाला ने उनका अभिवादन किया। यहां से गारद की सलामी लेने के बाद सीएम आगे बढ़े और आवासीय कॉलोनी का लेआउट देखा। इसका लोकार्पण करने के बाद वो यहां जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक किए। विपक्ष पर केशव प्रसाद मौर्य भड़के, बोले कांग्रेस ने किया देश का नुकसान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में कुंभ 2025 के साथ ही अन्य विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकास कार्यों को लेकर उठे सवालों के जवाब दिए। साथ ही प्रेस वार्ता में विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश का बहुत नुकसान किया। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य से कांग्रेस की रैली के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश का बहुत नुकसान किया है। कई सरकारों की ओर से बांटी जा रही है मुफ्त चीजें।
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश का काफी अहम हिस्सा होती है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के दहाई अंकों में बने रहने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत मजबूत स्थिति में है और जरूरतमंद वर्गों को मदद देने के लिहाज से जिम्मेदार भी है। सीतारमण ने जीडीपी की बात करते हुए बताया कि जीडीपी वृद्धि को लेकर सकारात्मक रुख है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारों की तरफ से बांटे जाने वाले मुफ्त उपहारों पर भी बात की। भाजपा ने किसानों से जुड़ने की बनाई रणनीति। इस साल नगर निकाय के प्रस्तावित चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा उत्तर गठन के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ग्रामीण अंचलों में वजूद रखने वाले प्रमुख किसानों को सम्मानित करके उनसे जुड़ने का खाका तैयार किया है। भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि भाजपा का आमजनों से सीधे जुड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। इस कड़ी में ही सम्मेलन प्रस्तावित है। शेख हसीना ने भारत को बताया सच्चा दोस्त। पीएम मोदी की भी खूब तारीफ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद पूर्वी यूरोप में फंसे अपने देश के छात्रों को बचाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई पहल की सराहना की। एएनआई के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री हसीना ने मोदी सरकार के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की भी तारीफ की, जिसके तहत पड़ोसी देशों को कोविड-19 वैक्सीन प्रदान की गई। शेख हसीना ने भारत को सच्चा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत जरूरत की घड़ी में बांग्लादेश के साथ हमेशा खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा 1971 के युद्ध के दौरान भारत के योगदान को याद करते हैं। इसके अलावा 1975 में जब हमने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हमें भारत में आश्रय दिया। योगी सरकार का कसता शिकंजा। भदोही में शराब माफिया की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। यूपी में योगी सरकार नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। भदोही जिला प्रशासन की ओर से मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान जारी है। शराब माफिया गुलाब जायसवाल की पुलिस ने 2,57,88,535 रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। कार्रवाई डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। इस तारीख को शुरू हो सकती है काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है। वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन के अनुसार यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 सभी के लिए 7 सितंबर 2022 से शुरू होने की संभावना है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, बिजनौर को विकसित करना है, आप समस्या बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बिजनौर प्रवास के दूसरे दिन सुबह 9 बजे जनपद के उद्यमियों, एक्सपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, शिक्षण संस्थानों के मालिक, प्रमुख चिकित्सक, व्यापारी समेत सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की। बैठक करके बिजनौर के सर्वांगीण विकास का खाका तैयार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजनौर को विकसित करना है, इसकी पौराणिकता, आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति, विरासत के अवशेषों को संरक्षित करके पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाना है, इसे विश्व पटल पर चमकाना है। इसके लिए आप अपने सुझाव दीजिए। सचिन को मिली भारत लेजेंड्स की कप्तानी। रोज सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भारत लेजेंड्स की टीम सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में खेलेगी। युवराज हरभजन के साथ पठान बंधु भी दमखम दिखाएंगे। आज टीम्स के कप्तान का ऐलान हो गया है। सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।